और आप ये चीज़ छुपा रहे, आपने ये खुफिया निकाह किया था, इसलिए आप ये चीज़ दुनिया के सामने नहीं एक्सपोज कर रहे। तो आपको शर्म करनी चाहिए और खुदा का खौफ करना चाहिए। आप खुद एक बेटी के बाप है, किसी के बेटी को आप यूं जलील रुसवा करें, आप अल्लाह की ज़ात से डरे। जब मैं वहाँ पर गई तो इन्होंने मुझे अरेस्ट करवा लिया और वहाँ पर इन्होंने थाना ब्लास्ट करने वालों को रिश्वत दी। कब से लेकर अब तक मेरी ये हालत नहीं हुई, मेरी ये हालत आपसे शादी के बाद ही होनी थी। तो उनका खुद अपना एक बयान नहीं है तो वो मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मैं तो अपने सेंस में नहीं थी, मैं तो ठीक नहीं थी, और इनके ही तशद्दुद जो इन्होंने मेरे पे किया, जिस तरह से मारपीट की थी, जो मेडिसिन थी, जो इनने किया। तो सबसे पहले मेरा आपको पता है, जब ये केस शुरू हुआ मैंने सुसाइड की थी, तब ये मेरा केस हाईलाइट हुआ और फेसबुक पे स्क्रीनशॉट से, जब मेरी बहन ने लगाया कि इसके लिए दुआ करें, मेरी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी, कंडीशन सीरियस थी मेरी। मेरे बारे में बातें कर रही हैं, मेरी पूरी फैमिली को रुसवा कर रहे हैं आप, और फिर आप कहते हैं कि हानिया के पीछे कोई ताकतवर एजेंसी है या फिर हानिया के पीछे PTI वाले हैं। आपने मेरे बाबा से वीडियो बनवाई फेक गन पॉइंट पर रखकर, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे आप क्यों नहीं फेस कर रहे, मुझसे क्यों आप डरते हैं।